हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक पावर सप्लाई है एसएमपीएस। इस एसएमपीएस में जो प्रॉब्लम आ रही है, डेड की प्रॉब्लम आ रही है, ये एसएमपीएस ऑन नहीं हो रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, पावर को कनेक्ट करते हैं। पावर को कनेक्ट करने के बाद जो है ट्वीजर से हम क्या करेंगे, ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक को हमने शॉर्ट किया ट्वीजर से। यहाँ पे फिर देखेंगे एसएमपीएस का फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए एसएमपीएस का फैन हमारा नहीं चल रहा है। फिर से एक बार मैं जो है पावर ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ कोई भी एसएमपीएस के फैन में मूवमेंट नहीं है। तो फ्रेंड, इस कंडीशन में हो सकता है पावर केबल की भी प्रॉब्लम है। तो पावर केबल को एक बार हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर का रेंज क्या करेंगे, एसी जो है 750 वोल्ट पे हम सेलेक्ट करेंगे। ऑन कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऑन करने के बाद जो है हम देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स पावर केबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पावर केबल जो है हमारे मल्टीमीटर जो है 244 एसी समथिंग शो कर रहा है। तो दैट मीन्स पावर केबल हमारा बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम जो होगी वो एसएमपीएस की होगी। चलिए एसएमपीएस को कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए खोलते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड एसएमपीएस में जो है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें जो है सबसे पहले आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है कार्बन डस्ट की प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करते हैं, एयर ब्लोअर मशीन से जो है इसको जो है साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं इसको। आप फ्रेंड देख सकते हैं हमारा जो है पीसीबी बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं कंपोनेंट को चेक करने जा रहा हूँ। कंपोनेंट चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि एसएमपीएस में प्रॉब्लम कहाँ पे है। लेकिन कंपोनेंट को चेक करने से पहले एक बार हम क्या करेंगे, सप्लाई देने के बाद एक बार फिर से स्टार्ट करके देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। केबल को कनेक्ट कर दिया फ्रेंड, फिर देखेंगे फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करते हैं। अभी भी नहीं चल रहा है, दैट मीन्स बोर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चलिए बोर्ड को जो है चेक करते हैं। फ्रेंड मैं फिर से एक बार पावर केबल कनेक्ट कर रहा हूँ और इस सर्किट में ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इसके एसी सर्किट में प्रॉब्लम है या डीसी वाले सर्किट में प्रॉब्लम है। चलिए फिर से मैं एक बार जो है वोल्टेज चेक करता हूँ। मल्टीमीटर का रेंज डीसी 20 वोल्ट पे करता हूँ।
ठीक है 20 पे कर दिया मैंने। उसके बाद जो है यहाँ पे 14 नंबर पिन पे जो है जो ग्रीन है पी एस ऑन है, यहाँ पे हमें जो है 5 वोल्ट के समथिंग 4.8 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं 4.8 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, बट हमारा SMPS फिर भी ऑन नहीं हो पा रहा है। एक जो है फिर हम चेक करेंगे 8 नंबर और 9 नंबर पिन पे ग्रे और पर्पल पे। यहाँ पे एक पिन पे जो है 5 वोल्ट की सप्लाई हमें बननी चाहिए। यहाँ पे जो है हमें जो है 7, फिर 8 नंबर पिन पे रखिए आप, यहाँ पे नहीं बन रहा है, मतलब जो है थोड़ा सा वोल्टेज जो है ज़्यादा बन रहा है इस पिन पे। आगे वाले पे चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा बन रहा है। ग्रीन पे आप एक बार जो है चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे को वोल्टेज 4.7 वोल्ट बन रहा है, फिर भी हमारा SMPS अगर ऑन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपके जो है आउटपुट सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे ये बोर्ड में प्रॉब्लम है। यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं आउटपुट में जो हमारा जो है 1, 2, 3 तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये तीनों कैपेसिटर इस बोर्ड में, इस SMPS के जो है बोर्ड में तीनों कैपेसिटर ख़राब हो चुके हैं। इसकी वजह से हमारा SMPS ऑन नहीं हो पा रहा है, वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर को आप चेंज करेंगे आपका SMPS ऑन होने लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं किस चीज़ की प्रॉब्लम है इसमें। पहले मैं जो है वायर को डिसकनेक्ट कर देता हूँ। यही कैपेसिटर हमारा ख़राब है, इसी को मैं चेंज करने वाला हूँ। चलिए चेंज करते हैं। फ्रेंड मैंने तीनों कैपेसिटर को निकाल दिया है। कैपेसिटर को निकालने के बाद अब चेक करेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये तीनों कैपेसिटर इस बोर्ड में ख़राब है, जिसकी वजह से हमारा SMPS चल नहीं रहा था। ये तीन कैपेसिटर, ये तीनों लीकेज हैं। आप देख सकते हैं 1000 माइक्रोफेराड 16 वोल्ट का है ये, और ये जो है यहाँ पर लगा हुआ है 1000 माइक्रोफेराड 10 वोल्ट का है, और ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं 10 वोल्ट 1000 माइक्रो फराड का है। ये तीनों के तीनों लीकेज हैं। चलिए मैं एक बार इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ।
टेस्ट करने की विधि जो है, मल्टीमीटर को जो है बजर पॉइंट पे लेंगे, बजर पॉइंट पे लेने के बाद जो है इसको हम चेक करेंगे। और दूसरे साइड ऐसे लेंगे, मतलब यहाँ पे टेस्टिंग तो आ रहा है सही, बट जो है ये वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है, लीकेज की प्रॉब्लम है। टेस्टिंग तो दिखा रहा है, काउंटिंग जो है दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सही दिखा रहा है। ये टेस्टिंग तो तीनों कैपेसिटर दिखा रहे हैं सही, बट ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। जितना वोल्टेज आगे पास होना चाहिए उतना वोल्टेज ये पास नहीं कर पाता है। जिस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सर्किट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर कैपेसिटर उभरा हुआ है तो भी वो खराबी है, वो सर्किट में काम नहीं कर सकता है, वो सर्किट में काम होने भी नहीं देगा। तो इसे आप क्या करेंगे, दूसरे कैपेसिटर जो है जितने भी माइक्रोफेराड वोल्ट का है उसे सेम वैल्यू का जो है इसमें लगाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड मैंने बीच में वीडियो को पॉज कर दिया था, चलिए फाइनली हमने जो है ये तीनों कैपेसिटर जो चेंज किए हैं आप देख सकते हैं, जो पहले लीकेज हो रखे थे ये तीनों कैपेसिटर हमने चेंज कर दिए हैं। चेंज करने के बाद जो है अब इसको मैं पैक करके इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, चलिए पैक करता हूँ। चलिए फ्रेंड हमने फाइनली पैक कर दिया, पैक करने के बाद केबल को और केबल को कनेक्ट करता हूँ और ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करूँगा और देखूँगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा SMPS चलने लगा, कैपेसिटर की प्रॉब्लम थी। एक बार फिर से हम जो है आपको दिखा रहा हूँ, हाँ आप देखिए, हाँ फिर से एक बार लगाइए, देख सकते हैं फ्रेंड हमारा SMPS ओके हो गया। ओके थैंक यू।